हमारा वेक्टर वाला चैप्टर चल रहा था, उस वेक्टर के चैप्टर में हमने डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से कर लिया था। वेक्टर प्रोडक्ट भी मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार वेक्टर प्रोडक्ट जो है इसे ब्रीफ में वापस रिवाइज करा दिया जाए, अच्छे से रिवाइज करा दिया जाए। तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहली बात तो इसका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर आता है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं इसको। इसका रिजल्ट हमेशा वेक्टर ही आएगा, यानी इसकी डायरेक्शन मस्ट है। तो इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जरूरी है इसका, जबकि आपके डॉट प्रोडक्ट के स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी। अब हम यहां पर आते हैं, सिंपल बात कर लेते हैं। मान लो मेरे पास ए वेक्टर है, मान लो मेरे पास बी वेक्टर है। अब मुझे ए क्रॉस बी वेक्टर चाहिए, ठीक है। ए क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, सबसे पहले मैं इसकी डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो देखिए मैं आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बता रहा हूं। आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड शुड बी रोटेटेड ए टू बी, आपका थंब जो है ये रिप्रेजेंट करेगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो ये आपका इधर की तरफ आएगा, जिधर भी आएगा। तो मैं इसको पता है क्या लिखूंगा, मैं ए क्रॉस बी को लिखूंगा ए बी साइन थीटा एन टैन। अब इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या, देखो ए तो आपका बड़ा क्लियर है, ए आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, बी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, ओके। ए बी साइन थीटा क्या चीज है, ए बी साइन थीटा जो है इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इस ए बी साइन थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दो, ए बी साइन थीटा इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड, ये एंगल थीटा है ना। ए बी साइन थीटा इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये आप लिख सकते हैं, राइट। अब यहां पर एन कैप जो है इट इज द डायरेक्शन, एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी टू बी डिसाइडेड बाय माय राइट हैंड, डिसाइडेड बाय राइट हैंड। अब आप देखिए ये आपका ए क्रॉस बी हुआ, अगर मैं बी क्रॉस ए लिखना चाहूं तो कुछ नहीं, बिल्कुल सेम चीज लिखवा रहा है। बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड का मैं ए बी साइन थीटा लिखूंगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं बदलने वाला है, लेकिन यहां जब मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो इसको लिखवा रहा माइनस एन, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी उसकी। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते, हाथ अलग अलग होते। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, अलग अलग होते हैं, अलग अलग। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसको मैं लिखूंगा बी यू पी। क्या, अगर आप ए डॉट बी निकालें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें और बी डॉट ए निकालें, तो दोनों का आंसर सेम है, बोथ विल बी एक्जेक्टली सेम, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, तो आप इधर का उधर करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर फर्क पड़ेगा, यहां क्या होगा वो मैं बताऊं, यहां ये होगा बेटा, अगर आपने ए क्रॉस बी को इक्वल टू आप किसी भी तरह से लिखना चाहते हैं तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा बी क्रॉस बी के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट का एक दूसरे का, यहां तक की बात आपको समझ में। मैंने आपको जो है कुछ और भी बताया था, तो मैं वहां आता हूँ। देखिए हमारे पास जो है एक्स एक्सिस इधर होती है, वाई एक्सिस इधर होती है और जेड एक्सिस इधर होती है। ये जो एक्स एक्सिस है इसके यूनिट वेक्टर को मैं आई कैप कहता हूं,
से यूनिट का को मैं जे कैप कहता हूं और जेड वाले अपवर्ड को अपवर्ड से इसको मैं के कैप कहता हूं। इसको मैं के कैप, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, के कैप का मतलब द वेक्टर इन दिस, द वेक्टर इन दिस। अब मैं कुछ बातें करूंगा, कुछ बातें करूंगा, जैसे अगर कभी आपके सामने ऐसा आ गए कि आई कैप क्रॉस आई कैप, तो आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होगा, J cap cross J cap zero होगा, K cap cross K cap zero। कारण, कारण बड़ा सिंपल, कारण बड़ा सिंपल कि I cross I, इसका मतलब sin zero आएगा इसमें, sin zero क्या होता है zero, J cross J यानी कि sin zero आएगा, इसमें क्या आएगा sin zero आएगा, तो इन सब के अंदर जो है ना आपका sin theta वाला जो component है वो है sin zero, इसलिए आपका आंसर zero आ रहा है। I cross I, J cross J, K cross J, right? अब लेकिन हम जरा I cross J देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं I cross J दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग बड़ा ध्यान से चेक करना। I cross J का मतलब होता है turn fingers of your right hand, turn fingers of your right hand from I to J, and then look at the thumb of right hand. In what direction your thumb is indicating? So look over here, this is I vector, I cap, this is J cap. So turning the fingers I to J, if I am turning the fingers I to J, this is J cap, no sorry, this is K cap. Thumb is indicating towards K cap, इधर की तरफ कर रहा हूँ। तो इसको मैं लिखूंगा I cross I equal to 1 sin 90, क्योंकि 90 है, और sorry, इसकी direction क्या है? डायरेक्शन फिक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वन सब वन है, के कैप आ गया, I cross J K cap आ गया, करेक्ट? A V sin theta n cap, instead of n cap I am writing K cap because that is direction। अच्छा, अब इसका अगर उल्टा कर दिया जाए तो, उल्टा कर दिया जाए तो बच्चों कुछ माइनस K cap आ जाएगा, बस करना ये आपका हो गया। अच्छा माइनस K cap आएगा भी आपका, जैसे आप J cross K I से ऐसे कम करेंगे तो ऐसे आएगा, राइट। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति I cross no, J cross K निकालना चाहिए, J cross K का पता लगाना चाहिए, तो क्या होगा? देखिए J मैं बताता हूँ कहाँ है, J आपका उत्तर है और K वेक्टर इधर है, तो J cross K यानी कि मैं अपने राइट हैंड को J से K की तरफ लाऊंगा, J किधर है? J उधर, K तो मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स जैसे के की तरफ लगा रहा हूं, जे ऊपर है के इधर है, तो जैसे के की तरफ घुमाऊं घुमा रहा हूं, थंब इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन एंड इट इज आई कैप, सो इट इज आई कैप, क्लियर? अच्छा अब देखो आप, इट्स ऑफ कोर्स इट विल गिव यू के क्रॉस दैट इज माइनस आई कैप, आई थिंक द थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी। अब आप देखो अगर मैं K cross I कर रहा हूं, K cross I कर रहा हूं, K cross I, बड़ा K cross I निकाल के ना तो जरा चेक करना K किधर है, K इधर की तरफ और I उधर, तो देखो K इधर और I इधर, तो देखिए लुक एट K, K I, K cross I निकालना ना, तो मैं अपने फिंगर्स को K से I की तरफ टर्न दूं राइट हैंड की, हम विल शो द डायरेक्शन, तो ये आपका जे कैप आ गया, इट इज इक्वल टू सॉरी दिस गिव्स अस आई कैप क्रॉस ए कैप इक्वल टू माइनस जे कैप। अब आप यहां पर एक चीज देख लीजिए कितना क्लियर कट आ रहा है, क्या क्लियर कट आ रहा है, आई क्रॉस जे करना तो प्लस आएगा ए कैप, है ना, आई क्रॉस जे करना प्लस ए, J cross A करना हो तो plus I cap आएगा, K cross I करना हो तो plus J cap आएगा। अब आप देखो I cross J, I से J की तरफ, J से K की तरफ, K से I की तरफ पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन उल्टा करना हो तो सारे अल्फा प्लेन को उल्टा चलाओ, J cross I करो तो आपका माइनस K cap आएगा, K cross J चलाओ
I cross K चलाई है आपका माइनस J क्या है these are very simple simple things अच्छा ये तो चलो इतनी छोटी सी बात हुई अब हम इसकी जरा एप्लीकेशन करते हैं बड़े बड़े कैलकुलेशन में कि अगर आपको वेक्टर दिया हो थोड़ा बड़ा तो जैसे अगर मान लो आपको कोई व्यक्ति P वेक्टर कह दे P वेक्टर कह दे P x I कैप प्लस P y J कैप प्लस P z K कैप ऐसा कह दो कोई और Q वेक्टर को कह दे Q x I कैप प्लस Q y J कैप प्लस Q z K ऐसा कोई कह तो आप क्या करेंगे आप सबसे पहले P क्रॉस Q को एक एक करके कैलकुलेट करना चालू करेंगे देखिए मैं इसको बिल्कुल डिटेल में कैलकुलेट कर रहा हूं उसके बाद में इसकी समरी करूंगा सबसे पहले मैं इसको इससे रिप्रेजेंट करूंगा मतलब कैलकुलेट करूंगा एक एक टर्म को फर्स्ट आई विल पिक दिस टर्म तो सबसे पहले मैं इस टर्म को पकड़ रहा हूं और इस टर्म को इन तीनों टर्म से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा वेक्टर प्रोडक्ट राइट तो इसका मैं तीनों टर्म से वेक्टर प्रोडक्ट करूंगा एक मिनट यस प्लीज तो आप ध्यान दीजिए मैं पी एक्स आई कैप टू एक्स आई कैप इसको मैं जीरो करूंगा प्लस पी एक्स एंड क्यू वाई पी एक्स एंड क्यू वाई ध्यान देना आई क्रॉस जे है तो नेचुरल है कि प्लस के कैप आएगा आई क्रॉस जे फिर इसको मैं करूंगा प्लस px and qz px qz ठीक है चलो बेटा i cross k करोगे तो क्या आएगा माइनस j क्या आएगा चलिए अब हम आगे इस वाली टर्म को पकड़ते हैं मतलब इस टर्म को हमने तीनों से कर लिया अब हम इसको भी तीनों से करेंगे बाकायदा ईमानदारी से नो बेईमानी नो बेईमानी एकदम ध्यान से सावधानी से py qx बेटा j cross i करोगे ना j cross i करोगे तो क्या आएगा j क्रॉस i करोगे तो माइनस k क्या आएगा हां j क्रॉस i को माइनस k आएगा j क्रॉस i माइनस राइट फिर आप इसको करिए j क्रॉस j तो 0 आ जाएगा ये फिर आप करिए py qz py qz j क्रॉस k तो i क्या आएगा प्लस का बिल्कुल चलो अब आप इस तीसरी टर्म को पकड़ो और तीनों से कर दो तो मैं कर रहा हूं pz qx लाइव चल रही है तो ये आपका ये क्या है पी जेड क्यू एक्स है ना के क्रॉस आई को कितना प्लस जे लिख दिया और आप लिखिए यहां से क्यू पी जेड क्यू पी जेड क्यू आई पी जेड क्यू आई और क्या लिखोगे के क्रॉस जे तो माइनस आई क्या आएगा और तीसरी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी तीसरी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी अब आप देखो ये जो रिजल्ट आया है इसको अगर मैं सिस्टमेटिकली जमा करके लिखूं तो पी क्रॉस क्यू क्या आएगा पी क्रॉस क्यू क्या है? तो मैं लिख रहा हूं सबसे पहले मैं आई कैप लिखूंगा तो मैं आई कैप लिखूंगा यहां ब्रैकेट लगा देता हूं फिर मैं जे कैप और यहां ब्रैकेट लगा देता हूं फिर मैं k कैप लिखूंगा और यहां ब्रैकेट लगा देता हूं राइट तो चलो जी i कैप ढूंढो कहां कहां है कहां कहां है i कैप p y q z p y q z p y q z i and p y q z माइनस p z q y राइट j की बात करो j कैप कहां माइनस माइनस पी एक्स क्यू जेड माइनस पी एक्स क्यू जेड और कहाँ आएंगे प्लस पी जेड क्यू एक्स राइट के कैप चेक करो पी एक्स पी एक्स क्यू आई ना पी एक्स क्यू आई आप लोग थोड़ा ध्यान रखना मेरा बता देना भैया कुछ गड़बड़ के कैप कहाँ होगा के कैप होगा पी एक्स क्यू वाई आपका रिजल्ट दिया गया पी क्रॉस क्यू था
सब्जेक्ट में रिजल्ट आ गया तो जरा मैं इस रिजल्ट को जो है ना उस फॉर्म में लिखूं जो आपको मैंने कल समझाया था। क्या कि इसको मैं जरा उस फॉर्मेट में लिखता हूं डिटरमिनेंट फॉर्म में, डिटरमिनेंट फॉर्म। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या दोनों रिजल्ट सेम है i j n k, राइट। i j n k क्या था, मैं i को लिखूंगा यहां पे px py pz qx qy qz, राइट। ये हो, अब मैं जरा इसको यहीं पे लिख दूंगा, तो यहां लिख देते हैं, आप चेक कर लेना बराबरी आनी चाहिए उधर से, रिजल्ट सेम आना चाहिए। मैंने कल आपको यहां माइनस जे बताया है ना, फिर यहां प्लस के बताया, राइट। तो देखो पी वाई पी वाई क्यू जेड क्यू वाई पी जेड, तो ये देखो आप पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू, ये मैंने i कैप को क्या क्या था हाइड किया था। आपको मैंने कहा था कि जब आप i कैप वाले कॉलम को लिखें तो इसको हाइड कर, i कैप को लिखने के लिए i कैप को हाइड करो, j कैप को लिखने के लिए j कैप को हाइड करो, k कैप को लिखने के लिए k कैप को हाइड करो, जिसको लिखना हो उसी को हाइड करो। हां j कैप को लिखने के लिए j कैप हाइड करो, फिर आप क्रॉस कर दो px qz माइनस pz qx, चेक करो, फिर आप k कैप का लिखने के लिए k कैप को हाइड करो, px qy माइनस py qx, ये आपका रिजल्ट आ गया। देना तो मैच करना था उधर से, भला होगा क्या, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, ऐसे कैसे हो गई, k कैप लिखना था, हाँ क्या लिखना था, तो पी एक्स क्यू वाई, अरे ये यहाँ पर गलत कर दिया हमने, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, ये है पी, क्या मतलब है पी वाई, पी वाई क्यू एक्स, अब आप कहेंगे कि सर इसको वहां से मैच कराओ, हमारे को चेक कराओ, भरोसा खत्म है। तो देखो कहां के ये था पी वाई क्यू एक्स, सही है था, बिल्कुल सही, वो गलती कर दी, आप चेक कर लीजिए, तो ये आपका रिजल्ट सेम है। इसमें ये मेथड ज्यादा बढ़िया है, वैसे तो एक 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 टर्म को लेकर करते रहोगे थोड़ा मुश्किल, उसमें तो आसान है डॉट प्रोडक्ट में, इसके अंदर यहां थोड़ा सा काम मुश्किल है। अब आपको ये चीज आ गई तो आप बहुत सारे सवाल कर सकते हो, ढेर आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको पहले, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो वेक्टर पहले दे रखा उसको पहले और जो वेक्टर बाद में दे रखा उसको बाद में, है? इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको करा चुका हूँ और एग्जाम्पल्स मैं करा दूंगा। अब देखिए आप एक बार इस फॉर्मूला चार्ट को खोलिए अपना, सब बच्चे फॉर्मूला चार्ट खोलें और देखो फॉर्मूला चार्ट, जो ये वेक्टर वाला फॉर्मूला चाहते हैं इसको ध्यान से देखो, पेज नंबर वन देखिए, सबसे पहले पेज नंबर वन पे सबसे पहले मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर की कहानी है बहुत अच्छी तरह से, ये डू योर सेल्फ पे कुछ क्वेश्चन है, पॉलीगन लो है और उसके बाद में लामिश थ्योरम है, स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, इसको अच्छी तरह पढ़ें, एक एक चीज को नोट डाउन करें, हर चीज नोटेड होनी चाहिए आपको, ओके। अब देखिए आप इसके बाद में ये फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं, ये पता है ये क्या है, ये पूरी फिजिक्स में से कलेक्ट करके रखे गए हैं, पूरी फिजिक्स में से कलेक्ट करके रखे गए हैं, सारा इकट्ठा करके रख दिया गया है। अब सवाल ये उठता है ये कहाँ कहाँ काम आएंगे, बहुत सारे काम आएंगे। अच्छा, अब इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो क्या इनको रटना है, नहीं रटना बिल्कुल नहीं, याद करना आप है, याद करना पाप है, पाप है। अच्छा, याद करना पाप, बिल्कुल याद करने की ट्राई नहीं करनी, नो ट्राई टू मेमोराइज, नो
हमारा इसकी ट्राई नहीं करनी। जब आपको जरूरत पड़े तो खोल करके देखो, जैसे मान लो कभी आपको किसी पसंद में जरूरत पड़ रही है तो आप इस लिस्ट को खोलिए और देखिए। अच्छा, अब आप कहोगे वाह सर कभी याद नहीं करेंगे, फिर एग्जाम में कैसे काम चलेगा हमारा। यही तो बात है कि याद करना सख्त मना है, ध्यान दो, नोट करो इसको, याद करना सख्त मना है, एकदम स्ट्रिक्ट है, याद करना सख्त मना है। याद हो जाए ये अच्छी बात है, याद हो जाना चाहिए, अब ये बड़ी ये दोगली बात है, याद हो जाना चाहिए, यही तो बात है, दोगली बात नहीं बड़ी पते की बात है, याद हो जाना चाहिए, है ना, याद हो जाए, याद हो जाए तो अति श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ बेस्ट दी बेस्ट चीज है अगर याद हो जाए। अब आप कहेंगे सर आप कह रहे हो याद हो तो, और अब आप कह रहे हो याद हो जाए तो अति श्रेष्ठ। देखिए दोनों मन भारी अंतर है, याद का मतलब होता है आप उसको रट रट करके क्रेम कर रहे हो, एक होता है आप उसका इतना ज्यादा यूटिलाइज करो, इतनी प्रैक्टिस करो, अलग अलग तरह के सवाल करो, ढेर सारे क्वेश्चंस करो, इतने सारे क्वेश्चन करो कि अपने आप ही दिमाग में जाके याद हो जाए। देखो मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ हमारे माइंड की, ईश्वर ने जो हमारा ब्रेन बनाया है ना, दिस इज वंडरफुल, बहुत ही शानदार बनाया है। जब आप छोटे से थे, एक महीने के, दो महीने के, छह महीने के, क्या आता था आपको, कुछ आता था, कोई नॉलेज था, कोई नॉलेज, फिर आज कितना नॉलेज है, कहां से आया है, ये आपकी माइंड की एबिलिटी से है। आपके माइंड में वो सब कुछ है कि जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है उससे ज्यादा बड़ी हार्ड डिस्क आपके माइंड में है। आप प्रयत्न मत करें याद रखने का, आप प्रैक्टिस करें, काफी सारे क्वेश्चंस करें, काफी सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें, बहुत सारी प्रैक्टिस करें, अपने आप ही याद हो जाएगा। मैंने आज तक कुछ भी याद नहीं किया, सब कुछ याद हो, अच्छा आज भी मेरे को बहुत सारी चीजें याद नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ आपको, मुझे कुछ याद याद नहीं है, सब कुछ वैसे ही होता है, सब कुछ जब करना चालू होता है ना तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता चला जाता है, मेमोरी तो मेरे को कुछ भी याद नहीं है, सब बता रहा हूँ कुछ भी याद। और याद का हाल ये है कि मेरे से एक बच्चे ने एक सवाल सुबह 9 बजे पूछा, फिर उसी सवाल को दोपहर 1 बजे पूछा, फिर उसी सवाल को शाम को 5 बजे पूछा, फिर उसी सवाल को थोड़ी देर बाद फिर पूछा, 4 बार पूछा, 4 बार अलग अलग अप्रोच से अलग अलग मेथड से सॉल्व किया, क्यों याद ही नहीं कैसे सॉल्व किया। ये क्या है, सब अपने आप हो जाता है, आप चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, अपने आप। तो आप इसके आगे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, और अगर आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से किया ना तो वेक्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, एनालिटिक्स वेक्टर क्लियर हो जाएगा। तो डू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम इस क्वेश्चन को फिर जून सेशन में डिस्कस करेंगे।
magnitude error, tentang magnitude. What is the magnitude of A vector? What is the magnitude of B vector? Can you answer? फिर आप A cap, unit vector of A cap पता है, unit vector of B cap पता है, फिर आप A plus B पता है, A vector plus B vector, ये पता है, फिर इसका magnitude पता है, फिर आप A vector minus B vector पता है, फिर इसका magnitude पता है, ये सब आप मालूम करते हैं, आपके पास vector की values दी हुई हैं, A vector A vector आपके पास ये है, I cap plus J cap minus K. B vector आपके पास ये है, I cap plus J cap minus K. Right? चलिए। अब आपको ये सब पता करने के बाद आपको पता करना है, A vector dot B vector बराबर क्या आएगा? A vector dot B vector बराबर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर आप cos theta की वैल्यू पता करें। What is value of cos theta? Theta is what? Angle between two vectors. Angle between two vectors. ये पता करें कि कितना है vectors के बीच कितना angle है. ठीक है? चलिए. Then आप A vector cross B vector की value पता करें. कर लिया? फिर आप A vector cross B vector का magnitude पता करें. आप n cap पता करें, n cap is direction of a cross b, direction of n a cross b, that is unit vector of a cross b. मैं इसको थोड़ा यहाँ निकाल देता हूँ, इसको अगले उसपे लिखते हैं. n cap क्या है? direction of a cross b. n cap क्या है बेटा? n cap है unit vector. Unit vector along A cross B. इसका आपको पता लगाना है. इसका आपको क्या करना है? पता लगाना है. Right. चलिए एक और क्वेश्चन देखो. A cross B कैसे कैसे हैं आप? तो आप देखिए क्या है. Angle आपको पता लग गया. 30. A cross B आपने पता लग गया. अब आप sin theta का वैल्यू पता लग गया. 14, 15, 16, 17 ये सब पता लगाया. तो देखिए क्या है 14 क्या है 14 है projection of a vector on B vector. Projection of A vector on B vector. Iski value aati hai A cos theta. What is A? A is the magnitude of vector A. Cos theta is what? Angle between A and B. Agla hai projection of B vector on A vector. Ye aayega B cos theta. Scalar quantity hoti hai projection. Ye dhyan dijiye. Projection is scalar quantity. अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर. कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर तो क्या आएगा? वो आएगा ए कॉस थीटा तो आएगा ही. कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर ए कॉस थीटा आ जाएगा, बी कैप आएगा. ध्यान दीजिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, इसमें ए कॉस थीटा आएगा और बी कैप आएगा. एक मिनट जरा. अब आप देखो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर यह आएगा बी कॉस थीटा ए. मैं आपको थोड़ा सा इन दोनों चीजों में अंतर समझा क्या है ये वास्तव में क्या है ये. ठीक है आप कैलकुलेट तो कर लोगे क्योंकि आपको कह दिया कि a cos theta into b cap into a cos theta into b cos theta into a cap into कर तो लोगे.
इनमें जरा इन दोनों चीजों में अंतर समझा देता हूं आपको, देखो मैं आपको अंतर समझा। मान लीजिए आपका ये एक वेक्टर है, क्या है ए वेक्टर है, आपका ये ए वेक्टर, आएगा वो आपका काइनेटिक्स का है। चलिए नमस्ते।